हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ एक शू रैक का, साथ ही मैं आपको उसमें फुटवेयर्स कैसे ऑर्गेनाइज वे में आप रख सकते हैं वो बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ मॉनसून टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है सेलो नोवेल्टी कॉम्पैक्ट प्लास्टिक शू रैक। आइस ब्राउन इसका कलर है। हमने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था मई 2018 में और हमें इसे यूज़ करते हुए कंप्लीट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो ये है फ्रंट लुक ऑफ दी शू रैक। इसमें इसके डोर्स पर ये लाइनिंग्स दी हुई हैं, साथ में इसके डोर पर ही ये ओपन करने के लिए 2 हैंडल्स दे रखे हैं। कॉर्नर पर सेलो का ब्रांडिंग दिया हुआ है। ये है इसका टॉप और इसका जो बैक है कुछ इस तरह से है, और इसकी साइड पर एयर वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट्स दिए हुए हैं। अंदर से कुछ इस तरह का लुक है इसका, और यहाँ पर आपको ये 6 रॉड्स दी हुई हैं जिसे आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये शू रैक पार्ट्स में आता है और इन पार्ट्स को आपको असेंबली मैनुअल, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, उसके स्टेप्स फॉलो करके असेंबल करना होता है। इट्स वेरी इजी टू असेंबल एंड इसे आप इजीली डिसमेंटल भी कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंट लुक है इसका और ये लाइट वेट होने की वजह से आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी केयर और मेंटेनेंस की, तो इसे क्लीन करना काफ़ी इजी है। आप किसी भी क्लीन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और मैं अपनी रूटीन में एवरी 4 to 6 मंथ में इसके सारे फुटवेयर्स आउट करके एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब रेनी सीज़न आने वाला हो उससे पहले आप आपकी शू रैक को और आपके शूज़ को अच्छे से धूप खिला दें, बिकॉज सनलाइट इज़ सेट टू बी द बेस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ये सारे जर्म्स को कील कर देता है। इट्स अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। जब आप अगेन इस शू रैक में शूज़ को रख रहे हो तो आप इसमें इस टाइप के सिलिका जेल शीशे यूज़ करें, जिससे इन शूज़ में नमी और फंगस फैलने का डर नहीं रहेगा। ये एकदम फ्रेश रहेंगे और आपकी शू रैक में से भी कभी स्मेल नहीं आएगी। तो इस टाइप से आप सिलिका जेल शीशे इन शूज़ के अंदर एक एक करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग सोडा की भी कॉटन क्लॉथ में पोटली बना के डाल सकते हैं, वो भी बेस्ट होता है। नेक्स्ट, आप जब इन शू को शू रैक में रख रहे हों तो इन्हें कोई प्लास्टिक बैग में रखें, और अगर आपके पास जो शू बैग्स होते हैं आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो शू के अंदर की डस्ट और मिट्टी होंगी वो हमेशा उसी में रहेंगी, आपकी शू रैक क्लीन और हाइजीनिक रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सारे शूज़ का अरेंजमेंट बताती हूँ इस शू रैक के अंदर। मैंने सारे फुटवेयर्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंज किया है शू रैक में। यहाँ पर मैंने इन फुटवेयर्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया है ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ऑफ फुटवेयर्स यहाँ पर आ सकें। तो यहाँ पर मैं टोटल 13 पेयर्स ऑफ फुटवेयर रख पाई हूँ। इसमें आप आपके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ये जो रॉड्स हैं ये फुली एडजस्टेबल हैं। यहाँ पर मैं ये सिलिका जेल के शीशे और रख देती हूँ और नेफ्थलीन बॉल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Goodbye and take care.